गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे सिलेबस के अनुसार, और 13वां चैप्टर विभिन्न वस्त्रों की धुलाई यानी मेथड्स ऑफ लॉन्ड्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और चूंकि इसमें विभिन्न वस्त्रों के बारे में, धुलाई के बारे में है, तो कॉटन फैब्रिक कैसे धोते हैं, ऊनी, सिल्क, रेयन, नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक्स, तो उन सभी की धुलाई के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है वो रेशमी वस्त्रों की धुलाई यानी सिल्क के जो फैब्रिक्स होते हैं उनको हम कैसे धोते हैं। सिल्क का जो फैब्रिक है वो या रेशम का जो वस्त्र है वो रेशम के धागे से बना हुआ है, और रेशम का जो धागा और तंतु है वो हमें कीड़ों से प्राप्त होता है। इसका पूरा प्रोसेस हमने जो हमारा फर्स्ट वाला जो चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, रेशों का वर्गीकरण, उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। तो वहाँ से आप जब पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि किस तरह से कीड़ों से ये सिल्क प्राप्त होता है। तो सिल्क का जो धागा है, तंतु है, वो कीड़ों से प्राप्त होता है। कीड़ों से उत्पन्न तंतुओं से रेशम का वस्त्र बनाया जाता है, और इसीलिए रेशम का वस्त्र बहुत ही कोमल, सुंदर और बहुत ही मुलायम बनावट वाला, उसकी वीविंग भी बहुत मुलायम होती है और चमकदार वस्त्र होता है। चूंकि ये सिल्क के बहुत ही नाजुक रेशों का बना हुआ होता है, इसलिए इसको धोने में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। हमको सिल्क के वस्त्रों को धोते समय इस तरह से सावधानी रखनी है कि सिल्क के कपड़ों को हमको कभी भी उबालना नहीं है, हर सिल्क के कपड़ों को हमको भिगो के नहीं रखना। सिल्क के कपड़ों पे हम जो सांद्र क्षार होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, वो हमको नहीं यूज़ करना होता है। बिल्कुल जो जेंटल सोप होते हैं, बिल्कुल उदासीन जो न्यूट्रल सोप होते हैं, उनसे यूज़ करते हैं हम इनको। फिर उसके बाद में रगड़कर हम सिल्क के कपड़े को नहीं धोएंगे, क्योंकि उसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है, गीला होते ही वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो ख़राब हो जाएगा। और अगर हम ये सब करेंगे, उबालना, भिगोना, तीव्र क्षार, तो सारा सिल्क का जो वस्त्र है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये हानिकारक है, रेशम के वस्त्रों को कमजोर बना देता है, उसके तंतुओं को कमजोर बना देता है। जब हमको रेशमी वस्त्र धोने हैं तब हम बहुत ही गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं, और अगर पानी कठोर पानी है, जल का जो चैप्टर है उसमें हम मतलब देखेंगे कि किस तरह से कठोर जल और मृदु जल होता है, और कठोर है तो कठोरता क्यों है और कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो पानी अगर कठोर है, जहाँ भी हम सिल्क का वस्त्र वॉश कर रहे हैं, तो कठोर जल के से धोते समय रेशमी वस्त्र में हम उस घोल में एक चम्मच सुहागा या नौसादर डाल देते हैं। तो सुहागा या नौसादर डालने से जो कठोर जल है वो सिल्क के ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ता है। यदि सिल्क के वस्त्र पर कोई धब्बे लगे हुए हैं या लग जाते हैं तो उसको तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पुराना हो जाता है तो सिल्क के वस्त्र को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है और उसको हम साफ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको पुराना धब्बा दिखता है कि सिल्क के वस्त्र पर कोई पुराना धब्बा है, तो उसको पहचान करके और फिर उसको जो उसकी प्रवृत्ति है धब्बे की, कि ठंडे से धुलेगा या गर्म जल से, तो ठंडे और गर्म जल से उन धब्बों को हटाना चाहिए। यदि चिकनाई लगी हुई है वस्त्र पे, जो सिल्क के वस्त्र हैं, तो उसको सबसे पहले चिकनाई को हटा लेना चाहिए। और रंगीन सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनको धोते समय हमेशा सुहागा यूज़ करना चाहिए। और यदि सिल्क के कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हों, बहुत ज़्यादा गंदे सिल्क के वस्त्रों में हम अमोनिया का तनु घोल, बहुत ही डेल्यूट सॉल्यूशन होता है अमोनिया का तनु घोल उसमें डालेंगे। सिर्फ एक चम्मच अगर हम उस सिल्क के धोने वाले घोल में डाल देंगे तो
तो वो ज़्यादा गंदे सिल्क के जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और जब हम इसकी अंतिम धुलाई करते हैं, जब झकोलते हैं, तो लास्ट की जो रिंसिंग है उसमें हमें उसको हम ठंडे पानी में करेंगे। पहली बात तो ये है कि ठंडे पानी में रिंसिंग करनी है लास्ट वाली, और उसमें थोड़ा सा नींबू या सिरका डाल देने से जो वस्त्र धुला हुआ है सिल्क का उस पर बहुत अधिक चमक आ जाती है। जब भी हम सिल्क के कपड़े को धोते हैं तो हमको उदासीन साबुन के घोल से धोना चाहिए। जो न्यूट्रल सोप सॉल्यूशन होते हैं जैसे इजी, जेंटल, वो लिक्विड सोप होते हैं, उनसे हमको सिल्क को धोना चाहिए। और जब हम सिल्क को सुखाते हैं तो जब वो 80% के करीब सूख जाए तभी हम उसको प्रेस कर लेनी चाहिए। हमको 80% सूखने पर ही क्यों कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी नमी है उसमें, तो अगर 20% उसमें नमी है सिल्क में और उसी वक्त हम हल्की सी गर्म प्रेस उस पर फेर देते हैं तो उस कपड़े में जो सिल्क का अपने आप एक नेचुरल कड़कपन होता है तो वो स्वाभाविक कड़कपन उसमें आ जाएगा। और अगर वर्क वाला सिल्क है, मतलब कोई वर्क वाली साड़ी या ब्लाउज़ या कुर्ता या दुपट्टा है, तो उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो उसको उल्टी तरफ से प्रेस करना चाहिए। यदि हमको सिल्क के कपड़े पर गोंद कलफ लगाना हो, हल्का सा उसको कड़क करना हो, तो हम उसको गोंद के कलफ से कड़क करते हैं। तो गोंद का घोल बना लेते हैं, और गोंद का घोल बनाने के बाद में जितना वस्त्र है, एक वस्त्र है कि दो है, या लंबी साड़ी है या छोटा दुपट्टा है या स्कार्फ है, तो जो भी है भाई, ब्लाउज़ पे तो हमको कलफ करनी ही नहीं होती है कभी भी, बच्चों के कपड़ों पे, ब्लाउज़ पे, पेटीकोट पे, इन पर नहीं करते हैं। साड़ी, दुपट्टा, चादर, पर्दा, इन सब पे कर सकते हैं जो आउटर वाले कपड़े होते हैं। तो जब हम सिल्क के कपड़े पर गोंद लगा रहे हैं, गोंद का कलफ लगा रहे हैं, तो जो वस्त्र की चौड़ाई है उस अनुसार हम गोंद का घोल बना के और उसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं रखेंगे उसको, थोड़ा ही घोल बनाएंगे और थोड़ा पानी रख के दोनों को मिक्स करके और सिल्क के कपड़े को उसमें डुबो देते हैं। और डुबोने के बाद में हल्का सा निचोड़ के उसको सुखा देंगे, और फिर हल्के से नमी जब रहेगी तो उसको प्रेस कर देंगे, तो उसमें बहुत अच्छी चमक वाला सिल्क का कलफ किया हुआ कपड़ा हमको मिल जाता है। तो इस तरह से आज जो हमने 13 चैप्टर मेथड ऑफ लॉन्ड्री यानी विभिन्न वस्त्रों की धुलाई में जो वस्त्र पढ़ा, वो वस्त्र है सिल्क के वस्त्रों यानी रेशमी वस्त्रों की धुलाई। तो रेशमी जो वस्त्र है वो किससे मिलता है, रेशमी तंतु से। रेशमी तंतु कहाँ से प्राप्त होता है, कीड़ों से। तो कीड़ों से चूंकि प्राप्त होता है ये वाला तंतु, बहुत ही कोमल और बहुत ही चमकदार और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, और बहुत ही इसकी बनावट इतनी सुंदर और कोमल होती है कि हम इसको रगड़ के नहीं धो सकते हैं, और गीला होते हैं इसकी लचीलापन भी कम हो जाता है। इसलिए हम जब इसको धो रहे हैं तो न रगड़ना है, न उबालना है, न भिगोना है, न सोडा डालना है ज़्यादा, और न तीव्र क्षार डालना है। इसको बिल्कुल इजी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, सोप सॉल्यूशन, उसमें धोना होता है। और लास्ट रिंसिंग इसमें इसको ठंडे पानी में करते हैं, और जब लास्ट रिंसिंग करते हैं तो थोड़ा सा नींबू और सिरका डाल देते हैं जिसका कलर अच्छा हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा गंदे सिल्क के कपड़े होते हैं तो अमोनिया का तनु घोल का 1 चम्मच डाल देते हैं। अगर चिकनाई होती है तो पहले से हटा लेते हैं, धब्बे लगे होते हैं तो पहले से हटा लेते हैं। रंगीन सिल्क को अगर धोते हैं तो सुहागा यूज़ करते हैं, और अगर हम कठोर जल से सिल्क को धो रहे हैं तो हम उसमें 1 चम्मच सुहागा या नौसादर उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि सिल्क के वस्त्र पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। जब हम उदासीन साबुन से इसको धो लेते हैं सिल्क को और सुखा देते हैं, तो 80% जब वो सूख जाता है, 20% उसमें नमी रहती है, तभी हम उसको प्रेस कर देते हैं, क्योंकि उसमें स्वाभाविक कड़कपन जो होता है उसका अपने आप का सिल्क का वो उसमें दिखाई देता है। यदि सिल्क के कपड़े पर कलफ लगानी होती है तो सिल्क के कपड़े पर गोंद की कलफ लगाई जाती है।
पहले गोंद को, वैसे तो कलफ वाला जो चैप्टर है उसमें इसका पढ़ा दिया, लेकिन गोंद जो है उसको भिगो दिया जाता है, भिगो के और उसको छान लिया जाता है, और जितना कपड़ा होता है हमारा, जितनी उसकी लेंथ होती है उसके अनुसार गोंद के घोल को लेके उसमें पानी को मिला के और सिल्क के वस्त्र को उसमें डुबो के हल्का निचोड़ के सुखा देते हैं और प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से कलफ किया हुआ चमकदार सिल्क का वस्त्र हमको प्राप्त होता है। तो ये था रेशमी वस्त्रों की धुलाई के बारे में। थैंक यू।